हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूनिट 7 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, ओपन योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक टू पेज नंबर 65। शेप्स मोबाइल। शेप्स मोबाइल किसे कहते हैं? डिफरेंट तरह के शेप से बने हुए वॉल हैंगिंग को कहते हैं और शेप्स मोबाइल। लेसन रीड एंड डू। सुनो, पढ़ो और करो। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है बच्चों, उन्हें हमें पढ़कर फॉलो करना है और हमें क्या बनाना है, एक ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग बनानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन दी हुई है, टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर। चार्ट पेपर की एक शीट लें, कोई भी मनपसंद कलर की ले लें या डिफरेंट कलर्स की भी आप ले सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ही कलरफुल वॉल हैंगिंग बनेगी आपकी। ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स इन बिग साइज ऑन द चार्ट पेपर। नीचे दिए गए शेप्स को चार्ट पेपर पे, अलग अलग कलर के चार्ट पेपर पे थोड़ी बड़ी साइज में ड्रॉ कर लें। कलर द शेप्स एज यू लाइक। अगर आपका चार्ट पेपर व्हाइट कलर का है तो आप शेप्स को कलर कर लें, और अगर आप डिफरेंट कलर के चार्ट पेपर पे बना रहे हैं तो ये पहले से ही कलरफुल है, इन्हें कलर करने की जरूरत नहीं है। नाउ कट आउट द शेप्स। अब ये बनाए और कलर किए हुए शेप्स को आप प्रॉपरली कट कर लें। मेक अ टाइनी होल एट द टॉप ऑफ ईच शेप। अब कटे हुए हर शेप के ऊपर की तरफ एक छोटा सी होल बनाए। पास अ स्ट्रिंग थ्रू द होल। अब छोटे बड़े साइज के कुछ स्ट्रिंग ले लें, धागे ले लें। एक ही साइज के नहीं होने चाहिए धागे, धागे की साइज छोटी बड़ी होनी चाहिए। और हर एक स्ट्रिंग को हर एक शेप पे बनाए हुए होल में से पास करते हुए एक नॉट बांधे उस पर। नाउ मेक अ नॉट एंड टाई द स्ट्रिंग टू द शेप। अब उन स्ट्रिंग की नॉट बांधे उन शेप्स के साथ और उनको टाई कर दें स्ट्रिंग के साथ। अब आप देखें यहां पर कौन कौन से बच्चों शेप्स बने हुए हैं। फर्स्ट शेप है स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, काइट, ओवल, एग, हार्ट, क्लाउड, स्टार, रेनबो, क्रिसेंट मून, मैंगो, फ्लावर, लीफ एंड बटरफ्लाई। बच्चों, ये सारे ब्यूटीफुल शेप्स हैं, इन्हें आपको ड्रॉ करके कलर करना है, फिर इन्हें कट कर लेना है। कट करके इनके ऊपर की तरफ एक छोटा सी होल बनाना है, फिर होल में से डिफरेंट साइज के स्ट्रिंग कट करके हर एक स्ट्रिंग को एक शेप के साथ नॉट डालकर अटैच करना है। नेक्स्ट है, टेक टू स्टिक्स एंड टाई देम टूगेदर इन द शेप ऑफ एक्स। अब दो लकड़ियां लें, उन्हें एक्स की शेप में बीच में से, दरमियान में से बांध लें, टाई कर लें। टाई द शेप्स टू द आर्म्स ऑफ द एक्स विद द स्ट्रिंग। अब जो बच्चों आपने शेप्स बनाए थे जिनको छोटे बड़े स्ट्रिंग्स के साथ टाई किया था, अब उन सारे शेप्स को इन दोनों स्टिक्स की चार आर्म्स पर कुछ कुछ डिस्टेंस पर टाई कर लें। छोटे बड़े स्ट्रिंग के हिसाब से इन्हें चारों आर्म पर स्टिक्स के टाई कर लें। सम स्ट्रिंग्स शुड बी शॉर्ट, सम लॉन्ग। आप देखेंगे कि कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो कुछ शेप्स ऊपर की तरफ होंगे और कुछ जो बड़े स्ट्रिंग के साथ होल्ड हैं वो नीचे की तरफ होंगे। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का बहुत अच्छा सी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। टाई अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू द सेंटर ऑफ द एक्स। अब दोनों स्टिक्स के बीच में जो आपने नॉट लगाई थी उन्हें बांधने के लिए, उसमें एक मजबूत और मोटा धागा बांधें। होल्ड योर मोबाइल अप विद द स्ट्रॉन्ग थ्रेड। अब जहां आपने दोनों स्टिक्स को एक्स की शेप में बीच में से टाई किया था, बिल्कुल उसी जगह से एक मोटे धागे की मदद से अपने शेप मोबाइल को बांध दें
और उसे उठा ली। अब ये आपका ब्यूटीफुल सा शेप मोबाइल रेडी हो गया है कहीं पर भी हैंग करने के लिए। यू कैन हैंग इट एनी वे यू लाइक। बच्चों देखिए, जरा सी एफर्ट लेकर के आपने कितना ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग एक प्रिपेयर कर लिया है। आप इसी तरह से दूसरी चीजें भी ड्रॉ करके उनका कटआउट निकाल करके और दूसरी तरह का भी वॉल हैंगिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हैं। अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो आप डिफरेंट टाइप्स के कार्टून बनाएं, उनको कट करके उनको इन वॉल हैंगिंग में टाई कर दें, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। या आप उनकी जगह कुछ और चीजें ले सकते हैं, जैसे फ्लावर्स ले सकते हैं डिफरेंट, या एनिमल्स का कटआउट निकाल करके ले सकते हैं, उनको कलर करके हैंग कर दें। ये सारे वॉल हैंगिंग्स बनेंगे, ये बड़े ही प्रिटी लगेंगे। और खुद की मेहनत से बनाए हुए वॉल हैंगिंग्स को लगाने का अपने रूम में एक अलग ही मजा आता है। होपफुली आप बच्चे इस एक्टिविटी को जरूर ट्राई करेंगे करने के लिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। होपफुली आपको हमारी वीडियो बड़ी हेल्पफुल लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। बच्चों हम अपने हर नए वीडियो में एक स्मॉल टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। लेसन या पोएम आपको कितना समझ में आया उसे चेक करने के लिए लिंक में दिया गया टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपना फाइनल स्कोर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम हाईएस्ट स्कोरर्स को डेफिनेटली शाउट आउट देंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने स्कूल और फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर पिछले सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उन्हें भी वॉच करें टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। बाय।